नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश तिवारी और मेरे साथ आज खास बात कार्यक्रम में मौजूद हैं वरिष्ठ साहित्यकार शोभा रानी तिवारी जी। शोभा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। वीर रस की कविता जी आप लिखती हैं जी, देशभक्ति की कविताएं भी लिखती हैं जी। देशभक्ति की कविताएं तो हमेशा प्रासंगिक रहती हैं जी, वीर रस की जो कविता है उसकी आज भी क्या प्रासंगिकता है? वीर रस की कविताएं जैसे पहले लिखी जाती थी वैसे आज तो नहीं लिखी जाती हैं, पर हाँ कोशिश करते हैं कि वीर रस की कविताओं को लिखकर जो युवा पीढ़ी है उनमें जोश भरे और ऊर्जा का संचार हो, इसलिए हम वीर रस की कविताएं आज भी लिख रहे हैं। पहले के जो वीर रस के कवि हुआ करते थे उस समय की जरूरतों के हिसाब से आक्रामक कविताएं जी, तो आज भी क्या वैसी कविताएं लिखी जा रही है? जी नहीं, आज तो वैसी आक्रामक कविताएं नहीं लिखी जा रही हैं, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वैसा लिख सके, लेकिन हम उनके जैसे नहीं लिख पा रहे हैं। क्या वजह है, क्या नए जो कवि आ रहे हैं वो उस तरह की कविताएं नहीं लिख पा रहे? जी हाँ, जो नए कवि आ रहे हैं वो उतनी गहराई से नहीं लिख पा रहे हैं जैसे पहले लिख पा रहे थे, लेकिन हाँ कोशिश की जा रही है। महिला कवित्री कितना लिख पा रही हैं और कैसी जागरूकता महिला सुरक्षा को लेकर आ पा रही है? जो आसपास की घटनाएं होती हैं महिलाओं से संबंधित, उनके ऊपर मैं महिलाओं से संबंधित लिखती हूँ, उनके उत्पीड़न को सहते हुए मैं खुद भी एक महिला हूँ इसलिए मैं महसूस कर सकती हूँ और उनके लिए लिखती हूँ, और उनकी सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या उपाय किए जाते हैं ये भी मैं अपनी कविताओं के द्वारा बताती हूँ। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप अपनी कोई एक कविता सुनाएं। देशभक्ति एक कविता है, जन्म से मृत्यु तक मैं फर्ज निभाऊंगा, जन्म से मृत्यु तक मैं फर्ज निभाऊंगा, अपना जीवन माँ को अर्पण कर जाऊंगा, माँ तुम ना रोना उदास ना होना, विश्वास तुम रखना मैं फिर से आऊंगा, विश्वास तुम रखना मैं फिर से आऊंगा, जो वीर वतन पर शहीद हो गए, जो वीर वतन पर शहीद हो गए, आंचल छोड़ माँ की गोद में सो गए, आंचल छोड़ माँ की गोद में सो गए, खून के कतरे कतरे से इतिहास जो रचा वे ही दुनिया की पहचान हो गए, वे ही दुनिया की पहचान हो गए, तो उनके पद चिन्हों पर चल इतिहास दोहराऊंगा, विश्वास तुम रखना मैं फिर से आऊंगा, विश्वास तुम रखना मैं फिर से आऊंगा।